धान खरीदी केंद्र जांजगीर चांपा जिला के रहौद में धान की हेरा फेरी कर धान स्कंद और खाली बार धान की कमी कर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को CU9 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा धान खरीदी केंद्र रहौद में 77,12,494 रुपए का गबन किया गया था। मामले पर धारा 420, 409, 34 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध किया गया था। साथ ही विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 120 बी भी जोड़ी गई। शासकीय बारदाने तथा चोरी छिपे शासकीय धान को खरीदने और बेचने के इस मामले में आरोपियों को ग्राम ससार से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजेश कुमार साहू एवं सखाराम साहू है। प्रार्थी अश्वनी कुमार साहू पर्यवेक्षक जिला सहकारी बैंक मर्यादित बिलासपुर शाखा पामगढ़ ने अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़ राजस्व के द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराया था, जहां कुल 77,12,494 रुपए की कमी होना पाया गया था। प्रकरण के आरोपी रामायण यादव उम्र 60 वर्ष निवासी पगरिया को गिरफ्तार कर पहले ही न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। वही धान खरीदी केंद्र रहौद में कार्यरत चौकीदार सखाराम साहू, जो उक्त धान खरीदी केंद्र में बारदाना प्रभारी था, उनके द्वारा धान खरीदी केंद्र में बिना धान खरीदी किए ही अपने अन्य साथियों से मिलीभगत कर धान की खरीदी बताकर बारदाना को अन्यत्र खपा देने से शासकीय बारदाना की कमी होना अपने कथन में बताए, उस पर 31 नग शासकीय बारदाना को जब्त किया गया। प्रकरण में ग्राम ससहा थाना पामगढ़ निवासी राजेश कुमार साहू को प्रकरण के मुख्य आरोपी रामायण यादव द्वारा धान खरीदी केंद्र रावत से चोरी छिपे 50 कट्टी धान की बिक्री करना और उस धान को एक पिकअप क्रमांक CG12S3760 से ले जाकर कान्हा ट्रेडर्स कृष्णा मिल पामगढ़ में बिक्री करना बताया गया। दोनों ही आरोपियों के बैंक पासबुक और आधार कार्ड को जब्त किया गया, अग्रिम कार्रवाई की गई है। आरोपी राजेश कुमार साहू उम्र 43 वर्ष एवं सखाराम साहू उम्र 51 वर्ष दोनों निवासी ससा को 26 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कल न्यायालय के सामने पेश की गई है।